इम्पल्स टेक्नोलॉजी, मैं हूं आपका टीचर योगेश सर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय योगेश सर। ये दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो कुछ डिफरेंट और आज का लेक्चर है, कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि मैं कुछ ईमेल पे लेक्चर दूं, ईमेल का कुछ लेक्चर अपलोड करूं, इसमें ईमेल के प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स के बारे में बताऊं। तो आज का लेक्चर जो है वो ईमेल के ऊपर है। ईमेल क्या होता है? तो ईमेल क्या होता है? मेल, मेल यानी एक मैसेज होता है, संदेश यानी कि कोई भी मैसेज आप किसी को दे रहे हैं तो वो एक संदेश दे रहा है, दैट इज द मेल। चिट्ठी लिख के भेज दिया आप, हैंड रिटन लिख के भेज दिया, वो मेल है। लेकिन उसी मेल को अगर मैं अपने फोन से करता हूं, अगर मैं अपने लैपटॉप से करता हूं, दैट इज कॉल्ड ई मेल। यानी ई मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, डिजिटल जो मेल है वो हमारा ई मेल है। यानी ई मेल एक वे है टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। यानी आप अपने मैसेज को अगर डिजिटल फॉर्मेट में किसी को भेजना चाहते हैं और इंस्टेंट भेजना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए ईमेल। ईमेल तो हमें इतना पता चल गया कि एक कैसा वे है जिसके थ्रू डिजिटली हम किसी को मैसेज एक जो है दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। लेकिन ईमेल वाकई जरूरत, ईमेल को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईमेल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई ना कोई मेल सर्वर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपको जो है मेल आईडी बनानी है, यानी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ईमेल के लिए सबसे जरूरी है आपका अकाउंट होना और कहाँ होना, पर्टिकुलर कंपनी में। सपोज कि अगर मुझे अपना अकाउंट जीमेल पे बनाना है तो जीमेल का मेल सर्वर लेना पड़ेगा, अगर मुझे रेडिफ पे बनाना है तो रेडिफ का मेल सर्वर लेना पड़ेगा, ऐसे ही याहू पे बनाना है तो याहू का लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक सर्वर के बारे में मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, ईमेल आईडी किस पे बनाऊं, मैं रेडिफ में बनाऊं, याहू में बनाऊं, जीमेल बनाऊं। मैं एग्जांपल के लिए मैं गूगल का इस्तेमाल करता हूं और जीमेल का इस्तेमाल करता हूं। जीमेल एक मेलिंग सर्वर है, जीमेल एक मेलिंग सर्वर है जिसके थ्रू आप मेल करते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक पहले मेल आईडी बनाएंगे, मेल अकाउंट बनाएंगे। आपको क्या करना है कि गूगल या कोई भी साइट खोलनी है, साइन अप पे क्लिक करना है। आप साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे ऐड अकाउंट मिल जाएगा, ऐड न्यू अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, साइन अप जैसे कुछ वर्ड मिल जाएंगे। आप इन पे क्लिक करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको कुछ डिटेल फिल करनी है, अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल, इटीसी, ये चीजें फिल करनी है। फिल करने के बाद से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपके अकाउंट के दो सेक्शन होंगे, यानी आपकी मेल आईडी जो अकाउंट है, आपका मेल अकाउंट है, उसके दो सेक्शन होंगे। इन दो सेक्शन क्या क्या होते हैं? पहला सेक्शन होता है यूजर का नेम, दूसरा सेक्शन होता है सर्वर का नेम, यानी सर्वर के बारे में, यानी डोमेन का नेम, होस्ट नेम, ये सब चीजें। और इनको सेपरेट कौन करता है? सेपरेट करता है एट का सिंबल, यानी एट द रेट का सिंबल। यानी कि जो हमारा अकाउंट होगा वो होगा, सपोज मैं अकाउंट बना रहा हूं आई एम पी यू एल एस ई इम्पल्स, ये मेरा नाम है इम्पल्स, एल ओ जी आई एन इम्पल्स लॉग इन, मैंने अपना नाम सेलेक्ट कर लिया। एट द रेट इज अ सेपरेटर, एट सिंबल जो है वो सेपरेट करता है किससे, किस कंपनी का बनाना है, मुझे जीमेल का बनाना है। डॉट कॉमर्शियल साइट मैंने डोमेन नेम ले लिया। यानी क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको नेम सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों ये श्योर नहीं है कि आप जो नेम ढूंढ रहे हो वही नेम आपको मिले, क्योंकि नेम ऑलरेडी टेक है, यानी पहले भी उसने कोई आईडी होगी तो वो नेम नहीं मिलेगा। तो आप चेंज कर सकते हो इम्पल्स लॉग इन समथिंग या फिर कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। इम्पल्स ये नेम देना है आपको, फिर आपको सेलेक्ट करना है। मेल सर्वर तो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होगा, ये डोमेन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा, इसको कहते हैं दोस्तों मेल सर्वर का नाम है ये, और ये उसकी कॉमर्शियल साइट है। तो ये दोस्तों एक मेरी मेल आईडी बन गई है, यानी मेल आईडी क्रिएट हो गई। यानी हमको क्या होगा, तो आप जैसे इसको क्रिएट कर लोगे, मेल आईडी बना लोगे, मेल आईडी के बाद से आपको जीमेल अपना मेलिंग बॉक्स देगा, एक मेलिंग बॉक्स देगा। उस मेलिंग बॉक्स में आपको सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी साथ साथ में देगा, कई सारे फोल्डर्स भी साथ में इंक्लूड करके देगा, यानी एक मेलिंग बॉक्स देगा। मेलिंग बॉक्स तो ये क्रिएट हो गया मेरा अकाउंट। अब मेल करने के लिए दूसरा एलिमेंट क्या है, तो आप मेल किसको करोगे? मेल आईडी तो बना लिया मैंने अपनी, अब मेल आईडी मुझे करना है किसी और को, यानी मुझे एक्स वाई जेड को मेल करना है, एक्स वाई जेड एट द रेट आर ई डी आई डबल एफ एम ए आई एल डॉट कॉम रेडिट मेल डॉट कॉम, मुझे इस पर मेल करना है। यानी कि दो चीजें हो गई, आपको एक को सेंडर हो गया जो सेंडर सेंड करेगा, एक हो गया रिसीवर जो रिसीव करेगा। ये दो चीजें हो गई, भेजने वाला हो गया और रिसीव करने वाला हो गया। लेकिन हम भेजेंगे कैसे,
हम इसे भेजेंगे कैसे? तो आपको क्या करना है, आपको मेल करना है। अब मेल करने के लिए दो चीजें होती है, बीच में होता है मेल सर्वर, ये हो गया जीमेल का मेल सर्वर। आप मेल करोगे वो मेल सर्वर पे जाएगा और ये मेल सर्वर से रिसीव कर लेगा। तो ये मेलिंग का सिस्टम है। अब क्या है दोस्तों कि मेल को दो तरीके से करते हैं। सपोज कि मैंने मेल किया तो सर्वर पे गया और सर्वर से इसने रिसीव कर लिया सेंडर ने, यानी मेल आपने कर दिया, ये अभी टाइम पे है नहीं, यानी ये लॉगिन नहीं है, ये इंटरनेट पे नहीं है, तो मेल सर्वर पे मेल स्टोर रहेगा और जैसे ही लॉगिन करेगा वैसे ही इसको मेल मिल जाएगा। इस प्रोसेस को जो प्रोटोकॉल चलाता है उसको कहते हैं, जब सेंड करेंगे हम तो ये होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की कि वो मेल ट्रांसफर करे क्लाइंट कंप्यूटर से। रिसीव कौन करता है, इसमें रिसीव करता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP। IMAP रिस्पॉन्सिबल है रिसीव करने के लिए। IMAP के और वर्जन है IMAP 3, IMAP के और सारे वर्जन है, यानी मेनली जो है IMAP इज रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव ईमेल। वो मेल को रिसीव करता है, मेलिंग बॉक्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटता है, यानी इसमें फोल्डर बनाने की सुविधा देता है, मेल को डाउनलोड करने की सुविधा देता है, आप अलग अलग रिमोट डायरेक्टरीज बना सकते हो और सारे मेल को जहां जिस लोकेशन रखना चाहते हो रख सकते हो। ये IMAP के बहुत सारे फीचर हैं। तो पहला तरीका है कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेंड करने के लिए इस्तेमाल हो गया और IMAP जो है वो एक्सेस करने के लिए हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों एक अनदर प्रोसेस सेंड करने का मेल, जिसमें क्या होता है कि सेंडर डायरेक्टली सेंड करता है रिसीवर, मेल सेंडर डायरेक्टली सेंड करता है रिसीवर को, यहां पे बीच में ये मेल सर्वर नहीं होता, मेल सर्वर नहीं होता है, यहां पे सेंडर ही क्लाइंट है और सेंडर ही सर्वर है, सेंडर ही क्लाइंट है और सेंडर ही सर्वर है। इस केस में दोनों कंप्यूटर को, सेंडर को और रिसीवर को दोनों को ही ऑनलाइन होना होता है और सेंडर से भेजता है रिसीवर को, इस्तेमाल करता है POP प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस के और वर्जन है POP 3 वगैरह, जिसमें POP के इस्तेमाल से ये भेज देगा, POP डाउनलोड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ये सारी फैसिलिटी देता है, यानी ये सेंड कर सकता है POP के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन में। यहाँ पे दोस्तों इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी हमारा मेल जो है वो सिक्योर है, यहाँ से निकला और सीधे यहाँ चला गया। ये जो सर्वर था किसी कंपनी का मेल सर्वर था, उस सर्वर पे नहीं गया। तो ये दो तरीके हैं मेल करने के लिए। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं इसके थ्रू मेल ट्रांसफर होता है। तो मेल दो कैटेगरी से ट्रांसफर करते हैं, पहला कि जिसमें सर्वर हमारा किसको मेल सर्वर होगा, आप सेंड करोगे मेल सर्वर के पास जाएगा, मेल सर्वर आपको मेल आपके रिसीवर को दे देगा। दूसरा कि नो सर्वर रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्लाइंट ही सर्वर है, सर्वर ही क्लाइंट है, आप जिसको भेज रहे हो सर्वर हो गया, जो रिसीव कर रहा है सर्वर है, इसने भेजा इसको ये क्लाइंट है ये सर्वर है, यानी कि डायरेक्ट मेल यहाँ पे चला जा रहा है और ये हो रहा है वाया POP प्रोटोकॉल के, POP प्रोटोकॉल जिसे सेंड कर दे रहा है और IMAP जो है उसे एक्सेस कर रहा है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल थे। नेक्स्ट एक प्रोटोकॉल है दोस्तों माइन प्रोटोकॉल, MIME। माइन के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइल्स को मेल में अटैच करा के भेज सकते हैं, इसकी राउटिंग जो है माइन के थ्रू होगी और सॉरी राउटिंग के लिए IMAP रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल जो थे वो हमारे ईमेल पे थे, जिसके थ्रू आप मेल कर सकते हो। अब मेल को कंपोज करते समय क्या क्या जरूरी है, किस किस चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, तो मेल पे कंपोज करने के लिए, मेल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट पे, क्लिक करना है, क्लिक करते ही सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन फ्रॉम का। फ्रॉम में जो सेंड कर रहा है मेल को, यानी मैं आपको मेल भेज रहा हूं तो मैं सेंडर हूं, तो मेरा ईमेल का एड्रेस जो होगा वो फ्रॉम में होगा। किसको भेज रहा हूं मैं, ये जो है ऑप्शन ये होगा टू में, यानी मैं दुर्गेश सर मेल कर रहे हैं तो दुर्गेश सर की मेल आईडी होगी फ्रॉम में, आपको भेज रहे हैं तो योर मेल आईडी इनसाइड द टू ऑप्शन, टू वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आपकी मेल आईडी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है CC, यानी कि कार्बन कॉपी, यानी कि मैं अपने मेल की कॉपी किसी और को भेजना चाहता हूं, यानी साथ साथ में एक कॉपी किसी और को भी चली जाए, रिलेटेड को चली जाए, तो मैं क्या करूंगा CC करूंगा, यानी कार्बन कॉपी करूंगा। थर्ड वन है आपका BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी के थ्रू
आपका मेल, प्राइमरी मेल जिसको आपने भेजा है उसको नहीं पता चलेगा और वो ब्लाइंड कॉर्नर कॉपी दूसरे को चली जाएगी। एग्जाम्पल, अगर ए है, ये है फ्रॉम, मैं इसे क्लियर करके लिखता हूं, ए है, फ्रॉम है ए, सेंडर है, इसको जाना है, ये सेंडर है, टू जाना है बी को, सी सी कार्बन कॉपी है सी, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी है डी। ये चार अलग अलग फ्रॉम जो भेज रहा है, टू जिसको भेज रहा हूं मैं, सी सी यानी कि एक कॉपी चली जाए इंस को, और बी सी सी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी चली जाए डी को। फ्रॉम ए को चला जाए टू, फ्रॉम ए ने भेजा बी को, सी सी को उसकी कॉपी चली गई डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, किसके लिए ब्लाइंड, तो इसको अगर हम भेजेंगे तो इसे पता नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा मेल डी को भी चला जाए और बी को पता ना चले, प्राइमरी मेल को पता ना चले, तो हम क्या करेंगे, हम बीसीसी का इस्तेमाल करेंगे और मेल को सेट कर देंगे। दोस्तों कई चीजें क्या होती है कि मेल में हम अटैच करते हैं, अटैचमेंट क्या होता है, तो अटैचमेंट के थ्रू आप कोई भी पिक्चर वगैरह अटैच करते हो, कोई भी फाइल अटैच करते हो और सेंड कर देते हो। दोस्तों देखिए, आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगला लेक्चर हमारा मेल पे ही आएगा, आगे प्रोटोकॉल्स पे ही आएंगे। देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।